Good morning, children. Welcome to Rising Sun Premier School online classes. Class 7th, chapter 1st. I am your computer teacher, Arvind Tomar. So let's start with me. Today's topic is storage devices. Storage devices, it is called memory devices. Okay? So let's start. Introduction. A memory is just like a human brain. Memory क्या है? एक human का brain है, यानी एक आदमी का दिमाग है. It is used to store data and instruction. इसको हम data store और instruction को store करने के लिए use करते हैं. Computer is the storage space. Computer memory is the storage space in computer where data is to be processed and instructions required for processing are stored. यानी कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत सारा डेटा हम स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत सारा बड़ा स्पेस होता है, उसको कंप्यूटर प्रोसेस करके इंस्ट्रक्शन को रिक्वायर्ड प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड, यानी जो भी प्रोसेसिंग हम उस पर करते हैं वो उसको प्रोसेस करके उसको स्टोर करके अपनी मेमोरी में रख सकता है. ओके, मेमोरी स्टोरेज कंप्यूटर प्रोसेस द इनपुट डेटा एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ 0 and 1. यानी कंप्यूटर क्या करता है, कोई भी डेटा को प्रोसेस करके स्टोर करके 0 and 1 में उसको स्टोर कर सकता है, विच इज़ कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स. यानी 0 and 1 को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट्स, और बिट्स भी हम बुला सकते हैं उसको. ओके, बाइनरी डिजिट्स और बिट्स, दीज बिट्स आर कैरीड बाई इलेक्ट्रिक सर्किट्स. यानी जितने भी जो बिट्स हैं वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के द्वारा चलते हैं. आर स्टोर्ड ऑन चिप, यानी चिप में हमारे स्टोर रहते हैं. दीज चिप्स आर resides inside the motherboard of a computer. यानी ये जो chips होती हैं वो motherboard के अंदर लगी होती हैं. Okay? Units of memory. Okay? तो units of memory क्या है, तो units of memory, bit is the smallest unit of information. Units of memory, bit is the smallest unit of information which is a computer can process and store. यानी bit क्या है, सबसे छोटी मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और रन भी कराती है. द इन्फॉर्मेशन इज कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स एंड बाइट. यानी जो इन्फॉर्मेशन जो होती है कंप्यूटर में वो क्या है, बिट और बाइट के रूप में वो उसमें स्टोरेज रहती है. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड अ निबल. यानी 4 बिट के बराबर एक निबल होता है, जैसे डेटा बिट्स वाइट एंड अदर यूनिट. स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो क्या होती है, बिट्स सबसे छोटी यूनिट है. बिट प्लस बिट यानी 4 बिट के बराबर एक निबल. बिट प्लस बिट और बिट प्लस बिट ये कितना हुआ, 8. तो 8 बिट्स इक्वल्स टू वाइट, 1 byte. तो 8 बिट के बराबर एक वाइट होता है और 4 बिट के बराबर एक निबल होता है. ओके, इट इज क्लियर. नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ वाइट. यानी 8 बिट के बराबर एक वाइट होता है. 1 KB मीन्स किलो वाइट. यानी 1 किलो वाइट इक्वल्स टू 2 की पावर 10 वाइट्स, यानी 1024 bytes. यानी 1 किलो बाइट्स में 1024 किलो बाइट्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज 1 MB, यानी 1 MB इक्वल्स टू 2 की पावर 10 KB 1024 किलो बाइट. यानी 1 MB के बराबर 1024 KB होता है. ओके, 1 GB 1 GB इक्वल्स टू 2 की पावर 10 MB इक्वल्स टू 1024 MB यानी मेगाबाइट. ओके, 1 TB इक्वल्स टू 2 की पावर 10 GB यानी गीगाबाइट इक्वल्स टू 1024 GB. ओके, नेक्स्ट इज 1 TB इक्वल्स टू 2 की पावर 10 TB इक्वल्स टू
1024 टेराबाइट। ओके, तो 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1024 किलोबाइट, 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट, 1 TB बराबर 1024 गीगाबाइट, 1 PB बराबर 1024 टेराबाइट। ओके, नेक्स्ट इज अ बिट कैन स्टोर 0 और 1, यानी बिट में जो भी स्टोर रहता है वो 0 और 1 में रहता है। ओके, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, तो कंप्यूटर की मेमोरी के टाइप्स क्या हैं, तो कंप्यूटर की मेमोरी के जो टाइप्स हैं, तो अ कंप्यूटर मेमोरी इज क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर की जो मेमोरी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक तो प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो मेमोरी 2 पार्ट्स, मेमोरी प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, तो इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी जो होती है उसको हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। ओके, मेन मेमोरी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बाय अ मेमोरी बस, यानी ये मेन मेमोरी जो है वो आपके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से कनेक्टेड होती है मेमोरी बस के द्वारा। ओके, नेक्स्ट इज द CPU कंटिन्यूसली रीड्स इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड देयर आर एग्जीक्यूट्स देम एज रिक्वायर्ड, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है आपकी इंस्ट्रक्शन को वो रीड करता है, स्टोर करता है और एग्जीक्यूट करता है जैसे आप रिक्वायर्ड होते हैं उस तरीके से। ओके, सो एग्जांपल रैम एंड रोम, प्राइमरी मेमोरी के जो एग्जांपल हैं वो रैम एंड रोम होते हैं। ओके, तो रैम क्या है और रोम क्या है। ओके, तो रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, रैम को हम क्या बोलते हैं, रैम इज फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी रैम की जो फुल फॉर्म है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज एनी ऑफ द डेटा इन रैम कैन बी एक्सेस जस्ट एज फास्ट एज एनी ऑफ द अदर डेटा, यानी रैम की जो मेमोरी है वो बहुत फास्टली वर्क करती है और ये आपकी स्पीड को प्रोसेसिंग की स्पीड को भी बढ़ाती है। इट इज़ यूज टू राइट एंड रीड डेटा फ्रॉम इट, यानी ये क्या करती है, डेटा को रीड और राइट दोनों करती है। ओके, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है। व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ ऑल द इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन स्टोर्ड ऑन इट्स इज लॉस्ट, यानी इसमें जो भी मेमोरी में इसकी में जो भी डेटा स्टोर रहता है जब आपका सिस्टम ऑफ होता है तो ये सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। ओके, देयर आर 2 टाइप ऑफ रैम, रैम भी 2 प्रकार की होती हैं, तो 2 टाइप ऑफ रैम्स, DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी 2 प्रकार की रैम होती हैं, जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और SRAM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ओके, नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो दिस मेमोरी इज यूज्ड एज द कंप्यूटर बिगिंस टू बूट अप, यानी कंप्यूटर को बूट करने के लिए आपको इस मेमोरी का यूज करना पड़ता है। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी ये क्या है, एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। व्हेन कंप्यूटर इज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हैज बीन स्टोर्ड ऑन इज नॉट लॉस्ट, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में यानी इस जो रोम में आपको जो डेटा स्टोर रहता है वो कंप्यूटर अगर ऑफ भी हो जाता है तो आपका ये डेटा लॉस्ट नहीं होता है। ओके, रोम मेमोरी कैन नॉट बी इजली एंड क्विकली ओवररिटन और मॉडिफाई, यानी रोम मेमोरी जो है वो आसानी से आप उसको ओवररिटन और मॉडिफाई नहीं कर सकते। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।